देखिए हम अगला कर रहे हैं क्लोरो प्लेटिनेट, सॉल्ट मेथड, क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट मेथड। ये एक मेथड है जो यूज किया जाता है मोलर मास निकालने के लिए, किसके बेस के लिए। तो लिखिए, दिस मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस। तो हम पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक बेस होते क्या हैं। ऑर्गेनिक बेस होते हैं लुईस ने उनको समझाया तो उनको बोलते हैं लुईस बेस, और इनकी डेफिनेशन होती है लोन पेयर डोनर और लुईस बेस। तो लोन पेयर डोनर और लुईस बेस। लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स वगैरह। तो हमारे लिए बात कर रहे हैं हम, सबसे आसानी से देने वाला लोन पेयर नाइट्रोजन, ये लुईस बेस है, ठीक है। तो क्या आपके पास आर एन एच टू हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह से ये ऑर्गेनिक बेस है। कितने लोन पेयर है इसके पास, एक एक लोन पेयर डोनर एटम है। जनरली एक एटम के पास कितने ही लोन पेयर हो, देता वो एक ही है। अगर इसके पास दो होते तो भी एक ही देता। तो ये एक तरह से क्या है आपके पास, मोनो एसिडिक लुईस, क्योंकि ये लुईस ने बताया था इसलिए लुईस बेस, मोनो एसिडिक लुईस बेस। अगर किसी जगह आपके पास दो हैं, जैसे दो NH2 ग्रुप है, तो दो डोनर एटम हुए, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डाई एसिडिक लुईस बेस। पक्का? अगर किसी के पास तीन है, हो सकते हैं तीन भी, आप समझिए बात को कि आपके पास कितने भी हो सकते हैं, तो हम उस जगह बोलेंगे पॉली एसिडिक लुईस बेस। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी, और हमारे पास हो जाएगा, देखा जाए तो हमारे लिए वहां पर क्या हो जाएगा, बेस को बी ही शो करेंगे हम, भले वो मोनो हो या डाई हो या ट्राई हो या टेट्रा हो। तो बेस को हमेशा क्या शो करेंगे, एक मॉलिक्यूल हो गया वो, तो बी शूट करेंगे या शो करेंगे शो। अब बात आती है कि हमारे पास ये क्लोरो प्लेटिनेट सॉल्ट मेथड है क्या। तो कहीं ना कहीं हम एक और एसिड है हमारे पास जो हम प्लेटिनम एसिड के नाम से जान रहे हैं, उसमें प्लेटिनम हो रहा है, और वो है H2PtCl6। इसके लिए बेसिसिटी बोलेंगे, क्योंकि ये एसिड है तो बेसिसिटी होगा, और बेसिसिटी कितना होगा इसका, 2। तो प्लेटिनम की वजह से इसके पास, हमारे पास एक एसिडिक करेक्टर आ रहा है, हाइड्राइड एच निकल रहा है, और इसकी हमारे पास बेसिसिटी कितने होगी, 2। पक्का? तो अगर हम यहां पर एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन कराते हैं, एसिड के लिए तो बेसिसिटी होती है और वो फिक्स है, कितनी है यहां पर, 2। लेकिन यहां पर बेस की एसिडिटी फिक्स नहीं है, क्योंकि बेस ही चेंज है। तो एसिडिटी आप यहां क्या बोलोगे, एसिडिटी ऑफ बेस एन बोल दीजिए। तो क्या बनेगा, हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट को हम नाम देंगे क्लोरो प्लेटिनेट।
क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट, और उसको इतना गर्म करो कि सिर्फ प्लेटिनम रह जाए, तो ये हमारे लिए रह जाएगा रेसिड्यू, और बाकी जितनी भी वेपर वाली इम्प्यूरिटीज हैं या सब्सटेंस हैं वो उड़ जाएंगे। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2PtCl6। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या लिखोगे? देखिए सॉल्ट में बेस भी है और एसिड भी है, H2PtCl6। इसके लिए एसिड के लिए बेसिसिटी यहां, ध्यान से देखो सामने, एसिड के लिए बेसिसिटी यहां लगेगी, ठीक है, और इस बेस की एसिडिटी यहां लगेगी। एक बार और मैं समझा रहा हूं, ये हमारे पास है सॉल्ट जिसमें हमारे पास एक बेस है और एक एसिड है, BH2PtCl6। ये अपना लोन पेयर इसको देता है और इस तरह से बनाता है। तो बताओ आपस में एक्सचेंज होती है, इसकी बेसिस, इसकी ये एसिड है बेसिसिटी 2, बेस की एसिडिटी n, इसकी तो फिक्स है 2, इसकी वेरिएबल है n, कभी n की वैल्यू 1 हो सकती है, कभी 2 हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम, लोन पेयर डोनर एटम। तो पॉली एसिडिक लुइस बेस जहां हमारे पास आ रहा है, अगर नंबर ऑफ डोनर एटम्स n है तो उसके लिए एसिडिटी कितनी होगी? n, वो मैंने यहां लिख दिया। अब इसको आपने गर्म किया है, इतना गर्म किया है कि प्लेटिनम बन जाए, तो आप बताइए प्लेटिनम कितना बनेगा? n, बोलो हाँ या ना। मान लीजिए w सॉल्ट है और w प्लेटिनम है, तो क्या इनमें कोई रिलेशन बन सकता है? यस। कैसे? बहुत आसानी से, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, ये मोलर वेट हो गया बेस का, पक्का, ये बेस का, प्लस एन मल्टीप्लाई बाय सॉल्ट, ये सॉल्ट का पूरा H2PtCx का होता है 410, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। W प्लेटिनम डिवाइडेड बाय प्लेटिनम का होता है 195 एटॉमिक वेट, और अगर आप बात कर रहे हैं यहां पर तो इसका कॉफिशियंट n है, तो मोल डिवाइडेड बाय स्ट्रोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट की वैल्यू सेम होती है, वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय दिस, वेट ऑफ प्लेटिनम डिवाइडेड बाय दिस, n क्यों? क्योंकि इसका कॉफिशियंट n है और इसका कॉफिशियंट 1 है। तो क्या ये इक्वेशन बन गई आपकी? लिख लीजिए इसको, पक्का, कोई दिक्कत आ रही है समझने में? अगर ये इक्वेशन आप ऑन द स्पॉट बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रटी तो नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा, नहीं रट सकते आप बहुत सारे फॉर्मूले, आप रटोगे तो शायद ज्यादा ज्यादा 10 दिन के लिए रट लोगे, लेकिन इसका डेरिवेशन एक दो बार खुद करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या याद रखना है? एक तो ये कि एटॉमिक वेट ऑफ प्लेटिनम 195 है, दिया जाएगा वैसे तो क्वेश्चन के अंदर, और अगर प्लेटिनम का दिया है, क्लोरिन का दिया है, तो आप इस सॉल्ट का तो वैसे ही निकाल लोगे। क्या आप कर सकते हो इसको? मैं आपको यहां पर पीटी का वेट दे दूंगा, सॉल्ट का दे दूंगा, बेस है उसकी एसिडिटी दे दूंगा एन, आपको MWT बेस निकालना है, निकाल लोगे? एन यहां पर क्या है? एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक बेस, जो आपको निकालना है, आप करिए इसको, लिखिए। तो हम बात कर रहे हैं अब फॉर परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम अच्छे से जानते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन तो होती ही है, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर वगैरह वगैरह देखने को मिलता है, और हम उन्हीं एलिमेंट की परसेंटेज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो किस परसेंटेज में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट में आया हमारे लिए लिबिक्स। लिबिक्स ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट हाइड्रोजन है। कैसे हम दिखाई देते हैं, कैसे देखते हैं? तो पहले तो लिखिए इसके बारे में, फर्स्ट द
this method is used for calculate percentage of carbon and hydrogen in the organic compound. In the organic compound, सही है, बहुत इजी है. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuO. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी कार्बन है वो किस फॉर्मेट में बनेगी, CO2, और जितना भी हाइड्रोजन है वो किस फॉर्मेट में रहेगा, H2O. मान लीजिए W है ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट, W CO2 है और यहां हमारे को मिल रहा है WH2O, सही है. तो W CO2 आप प्रैक्टिकली निकालने के बाद क्या आप W कार्बन निकाल सकते हैं, सिर्फ कार्बन? हाँ, बहुत आसानी से. कैसे? डब्ल्यू सी ओ टू निकल गया, डिवाइडेड बाय 44 करो, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए. 44 का डिवाइड करते ही कार्बन के मोल आ जाएंगे, सॉरी सी ओ टू के मोल आ जाएंगे, कार्बन के भी उतने ही है. कार्बन का वेट कितना है, 12 ग्राम. तो ये डब्ल्यू सी बन गया. तो इससे आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, कार्बन का वेट डब्ल्यू सी ओ टू मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44, और W ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. इज दैट क्लियर? अच्छा, W हाइड्रोजन कितना होता है, W हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, WH2O डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा हमें, 18, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, सही है. और फिर उसके बाद W ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास हो गए W कार्बन और W हाइड्रोजन. अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन भी लिबरेट होगी इसी फॉर्मेट में, जिस तरह से CO2 और H2 होता है. लेकिन उस मेथड का नाम हो जाएगा आपके लिए, चेंज हो जाएगा, और उसका हो जाएगा नाम डुमास मेथड. डुमास मेथड, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आपने गर्म किया और CuO की प्रेजेंस में ही किया, तो यहां पर जितनी भी नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्मेट में निकल जाएगी. N2 के मोल कितने हो जाएंगे, PV इक्वल टू NRT होता है, तो PV अपॉन RT, मोल निकल गया, मोल ऑफ N2, अगर आपको वॉल्यूम पता चल जाए तो. तो बताइए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, ये हो गया वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. बहुत इजी है. और आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक, सॉरी वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. और मोल ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, PV अपॉन RT करके, लिख लीजिए इसे. देखिए हमने कुछ मेथड पढ़े हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकाला है, और
एक और मेथड है जो परसेंटेज निकालने में मदद करेगा, वो है हमारी नाइट्रोजन की। ठीक है, हमने डोमास मेथड भी पढ़ा था। डोमास मेथड भी नाइट्रोजन ही निकालता है परसेंटेज, ये भी नाइट्रोजन, ये अलग तरह से निकालता है। कैसे निकालता है तो पहले तो लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड। ये हमारे को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज नाइट्रोजन बताने में मदद करता है। ठीक है, तो आगे हम कैसे बात करेंगे कि परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे होगी? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहां पर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। इससे हमारे पास नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, अमोनियम फॉर्मेट में, क्योंकि सॉल्ट बनना ही है तो अमोनियम सल्फेट में बन जाएगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट की सेकेंड स्टेप में NH4 2SO4 की हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH की। तो हमारे पास पूरा का पूरा अमोनिया अलग हो जाएगा और हमारे को यहां पर अगला क्या मिलेगा, Na2SO4। फिर बनने वाली अमोनिया की हम वापस रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ और टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेट कैसे करेंगे हम, यानी यहां पहले बैलेंस कर दिया हमने और हमने टाइट्रेशन किया। टाइट्रेशन का मतलब होता है हम उतना ही H2SO4 ले रहे हैं जितनी अमोनिया बनी है। ठीक है, तो यहां दो बातें होगी, केस फर्स्ट, यहां दो बातें हो सकती है कि H2SO4 कंज्यूम हो रहा है दो रिएक्शन में और एक हो रहा है कि H2SO4 कंज्यूम ओनली इन सिंगल रिएक्शन, यानी हमने NaOH बचा ही नहीं हमारे पास, यानी NaOH नॉट प्रेजेंट इन कंटेनर, नॉट प्रेजेंट इन कंटेनर। अगर कंटेनर में NaOH नहीं है तो H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, सिर्फ अमोनिया के साथ और टाइट्रेट हो जाएगा। तो बताइए इसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, N1 V1 इज इक्वल टू, इसका मास W है, किसका, अमोनिया का, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे इस जगह, अमोनिया का मास नहीं निकालना मुझे तो मोल निकालने अमोनिया के, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टू, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टू, मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वन। मोल कैसे निकालेंगे, M1 V1, मोल कैसे निकालेंगे, NH3। तो आप बता सकते हैं NH3 के मोल कितने हैं, 2 × M1 V1, बस ये हमारे पास मोल है। तो W नाइट्रोजन कितना होगा, ट्वाइस M1 V1 मोल डिवाइडेड बाय 17 × 14। आ गई बात समझ में, ये किसका आ गया, नाइट्रोजन का मास। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, W यानी 2 × M1 V1 × 14 / 17 डिवाइडेड बाय W ऑर्गेनिक कंपाउंड × 100। ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आपको यहां लिखना है। आ गया समझ में, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और बात हो सकती है कि कंटेनर में NaOH भी रखा हुआ है, तो जब NaOH रखा हुआ है तो फिर हमारे पास H2SO4 दो जगह यूज होगा। पहले तो ये चीज क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि जिल्डाल मेथड में क्या हुआ है। ये पहले तो नाइट्रोजन का मास निकालने के काम आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम सल्फेट की NaOH के साथ रिएक्शन कराने में ट्वाइस NH3 बच जाता है, और फिर बचा हुआ अमोनिया H2SO4 के साथ टाइट्रेट करता है। कोई डाउट, इज दैट क्लियर? तो आपके लिए बहुत आसानी से हो रहा है, कहीं कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आ रही है जलडाल मेथड में। लेकिन एक और बात हो सकती है कि NaOH भी अगर कंटेनर में बचा रहता तो फिर अब आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती है। केस टू, NaOH प्रेजेंट इन कंटेनर, NaOH आपने ज्यादा मिला दिया, NaOH प्रेजेंट इन कंटेनर, तो फिर अब आपके पास H2SO4 दो काम करेंगे, H2SO4 NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा बचा हुआ NaOH के साथ, और H2SO4 हमारे लिए अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करेगा। देखिए केस सेकंड, एक और केस हम कंसीडर करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं जलडाल मेथड के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, इसमें मैंने H2SO4 मिलाया, क्या बना? अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, मिलाया नहीं मिलाया, ठीक है। अमोनियम सल्फेट की मैंने रिएक्शन कराई नेक्स्ट स्टेप में NH4 2SO4 की मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ? NaOH के साथ, तो क्या बना? अमोनिया बन चुका है और Na2SO4। अब तक तो हम पहले जैसे ही चल रहे हैं, हमने कोई अलग से कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने क्या करा? H2SO4 मिलाया, H2SO4 मिलाया और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, सॉरी, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बन जाएगा? वापस वापस से वही बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट, सही है। लेकिन मुझसे H2SO4 ज्यादा मिलाई में आ गया, थोड़ा सा ज्यादा, तो उसकी टाइट्रेशन मैंने किसके साथ कराई? रिमाइंडर H2SO4 की मैंने टाइट्रेशन कराई NaOH के साथ, ट्वाइस NaOH, तो क्या बना हमारे पास? Na2SO4 प्लस H2O। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं ये हमारे पास रिएक्शन हुई, तो ये कंसीडर कब होगा? कब हमारे पास हो रहा है? जब हमसे H2SO4 ज्यादा मिलाई में आ गया, व्हेन एडेड H2SO4 इज मोर देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ये हमारे लिए पॉइंट हो चुका है, हमसे ज्यादा मिलाई में आ चुका है। कोई बात नहीं, हमने उसकी बैक टाइट्रेशन करा दी, इसको बोलते हैं बैक। दोबारा पहले H2SO4 से अमोनिया की कर रहे थे, अब H2SO4 की NaOH के साथ कर रहे हैं, पक्का? तो पहले देखा जाए तो अमोनिया की H2SO4 से कर रहे थे, अमोनिया की H2SO4 से, अब बचे हुए H2SO4 की NaOH से कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? बैक टाइट्रेशन। तो अब कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप मुझे बताएं मोल ऑफ H2SO4 किसके बराबर हो जाएंगे इस जगह? अगर आप देखते हैं तो मोल ऑफ H2SO4, पक्का मोल ऑफ H2SO4 दो दो जगह यूज हो रहे हैं, उसमें किसका डिवाइड करेंगे? 1 का, और अमोनिया और NaOH में किसका डिवाइड करेंगे? 2 का, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया प्लस मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? यस और नो? मैं यहां पर मोल ऑफ H2SO4 के लिए M और V दूंगा, किसके लिए दूंगा? स्पेशली बोल दूंगा H2SO4 का इतना मोलरिटी, इतना वॉल्यूम लीटर में, डिवाइडेड बाय 1, और अमोनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ मोल दूंगा NH3, निकालना ही यही है मेरे को, देना क्या, ये तो निकालना है। और NaOH के लिए मैं बकायदा आपको फिर M और V इसका भी दूंगा,
जो NaOH का होगा आपको यहां रखना पड़े होगा और 2 का डिवाइड करना होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात? तो ये आपके पास हो जाएगा, ये चीज M NaOH दूंगा, V NaOH दूंगा, M H2SO4 दूंगा, V H2SO4 दूंगा मैं। सबको सभी वॉल्यूम लीटर में रखे जाएंगे यहां पर, ठीक है? इसकी मदद से आप NH3 निकाल सकते हैं, हाँ या ना? निकाल लीजिए। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना कितना आसान है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक। आप क्या करेंगे, अमोनिया के मोल निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 14, 14 निकल गया अमोनिया के मोल, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे यहां पर, W ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से अमोनिया के मोल निकाल के यहां रखेंगे, जिससे नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 14 ग्राम और डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट और दिस। तो ये हमारा एक रहेगा बैक टाइट्रेशन का कंसेप्ट, यानी H2SO4 दो दो टाइट्रेट करने के काम आ रहा है दिस। तो आपको ये कंसेप्ट पूरा यहां से लेके यहां तक आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे आप, ये लिखें इसको।